Twenty-four-seven teachers training, a lesson-by-lesson lesson tutorial for homogenous teaching. We are an edtech textbook publisher. Bismillahir Rahmanir Raheem. assalam alaikum Mottram Teacher. Snowman Publishers के जानब se session जो कि एक नज़म पर मुश्तमिल है नज़म का है बरसात आइए एक नज़र डालते हैं हौसलाते ताल्लम पर सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म को दुरुस्त तलफज आहंग और रवानी के साथ पढ़ सकें नज़म से मुतल सवाल के जवाब लिख सकें मुतरदफ़ अल्फाज बना सकें मौके की मुनासिबत से आदाब गुफ्तु यानी शुक्रिया अफसोस माजरत का ख्याल रखते हुए मुनासिब अल्फाज बोल सके मंजर की तस्वीर देख कर कम अज कम दस जुमले तहरीर कर सके एक से पचास तक गिनती उर्दू हिंदों और लफ्जों में लिख सके बच्चों को व नज्म के उनवान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजों तमहीद उठाएंगे नज्म केनवान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे तमहीद उठाने के लिए दर्ज पेश हैं ताहम ये हरफ आखिर नहीं हैं बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जस्तजू जारी रहनी चाहिए दर्ज ैल सवाल की मदद से तमहीद उठाएँ गर्मी सर्दी खिजों और बहार के अलावा भी एक मौसम होता है उसे क्या कहते हैं मौसम टीचर ये चूंकि मौसमों की बात हो रही है तो बच्चों से ये सवाल करते हुए या उनके जवाब आने के दौरान आप इस बात का जिक्र कीजिएगा कि आमतौर पर चार मौसमों का जिक्र होता है लेकिन एक और मौसम भी है इसीलिए ये सवाल किया गया है कि गर्मी सर्दी खिजां और बहार के अलावा भी एक मौसम होता है उसे क्या कहते हैं और वो जो मौसम पांचवा मौसम है वो दरअसल गर्मी के मौसम के दौरान ही आता है अगला सवाल है कि कौन से महीने बरसात के महीने हैं बच्चे जवाब देने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ जवाब होंगे लेकिन आप कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त और सितंबर के तीन महीने जो हैं ये बरसात के महीने हैं। हमें कैसे पता चलता है कि बारिश होने वाली है ये बड़ा दिलचस्प सवाल है लेकिन एक जवाब जो आपको तकरीबन तमाम बच्चों की तरफ से मिलेगा वो यही है कि जब बादल आते हैं तो हमें पता चलता है कि बारिश हो सकती है बारिश आने वाली हो तो घर में क्या क्या तैयारी की जाती है इस सवाल में बच्चे खासी दिलचस्पी लेंगे क्योंकि हर घर में ये समा होता है कि बारिश आने वाली हो तो फिर आवाज़ें आने लगती हैं वो चीज़ उठा लो फला चीज़ उठा लो कपड़े उतार लो रस्सियों से वगैरह 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 आपको बारिश में नहाना कैसा लगता है ये जवाब भी यकीन आपको इस तरह मिलेगा कि अच्छा लगता है अगरचे कुछ मशरूत जवाब भी आएंगे कि अगर सर्दी में बारिश हो रही है तो फिर जाहिर बात है कौन कहेगा कि अच्छा लगता है बारिश के बाद का माहौल कैसा होता है इसके भी मुख्तलिफ जवाब आएंगे वो इसार इस बात पर है कि वक्त कौन सा है बारिश का यानी सर्दी का है बहार का है मौसम बरसात का है वगैरह वगैरह या फिर बाहर गलियों में कैसा माहौल है बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है लोगों के लिए चलना मुश्किल है वगैरह वगैरह दर्जबाल सवाल पर हम अपनी गुफ्तु के नतीजे में बच्चों को नज्म के उनवान तक ले जाए अबापशार की बहर और लय का ख्याल रखते हुए नज्म की किरत करेंगे आपके लिए मैं किरत करता हूँ एक दफा फिर से जिक्र कर दूं कि बहर का मतलब है वजन यानी अशार का वजन मिसरों का वजन और आपका लहजा और लह का मतलब है सुर पता चले कि शेर पड़े जा रहे हैं बरसात वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा घटा के जो आने की आहट हुई हवा में भी एक सनसनाहट हुई घटा आनकर मी जो बरसा गई तो बेजान मट्टी में जान आ गई जमी सब्जे से लहलहाने लगी किसानों की मेहनत ठिकाने लगी जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल अजब बेल पत्ते अजब फूल फल हर एक पेड़ का एक नया ढंग है हर एक फूल का एक नया रंग है हजारों फुदकने लगे जानवर निकल आए गोया के मिट्टी के पर जहां कल था मैदान चटियल पड़ा वहां आज है घास का बन पड़ा ये दो दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया तलबा से नजम की किरत करवाइये मुनासिब वक्फों में तल्फ की दुरुस्ती कीजिए और सही तलफज की अदाई की मशक भी करवाइये इस जिमन में दर्ज झैल अल्फाज आपकी खास तोज्जो चाहेंगे तरफ ये लफ्स इससे पहले भी आ चुका है कुछ अफवाब में बस इसको बच्चों को बताना है तरफ न पढ़ें तरफ पढ़ें रे पर जबर का खास ख्याल रखें सनसनाहट ये उनफाज में से है जो जल्दी जिसको कहते हैं कि जुबान पर नहीं जटते इसमें खास हरफ जिसके एराब का ख्याल रखा रखना पड़ेगा वह है दूसरा सीन जिस पर जबर है चूंकि रवानी में इस लफ्ज को पढ़ते हुए लोग संसनाहट कह जाते हैं यानी दूसरे सीन पर जज्म इस्तेमाल कर जाते हैं दूसरे सीन पर जबर को नुमाया करके पढ़ा जाएगा फिर ही इसे दुरुस्त तलफज समझा जा सकता है सनसनाहट मिट्टी या मट्टी मोहतरम टीचर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर के मीम के ऊपर जबर भी दी गई है और इसके नीचे जेर भी दी गई है और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसे कुछ अल्फाज हैं जिनमें जिनके पहले हर्फ पर जबर या पेश भी हो सकती है और या उसके नीचे जेर भी हो सकती है मतलब कहने का ये है कि उसके दो तलफ मुस्तमल हैं यानी दुरुस्त है और अगर आप लुगत देखें तो लुगत में आपको इस तरह के अल्फाज इसी तरह लिखे हुए मिलेंगे जिस हर्फ पर दो किस्म के इराब हो सकते हैं वो दोनों दिए गए होंगे मसलन अगर आप लफ्स ये वाला लफ्स देखेंगे लुगत में तो मिट्टी या मट्टी की मीम पर जबर भी होगी और इसके नीचे जेर भी होगी इसका मतलब यही है कि आप इस लफ्ज़ को दोनों तरह पढ़ सकते हैं मट्टी भी और मिट्टी भी और मैंने जैसे कहा कि और कुछ अल्फाज है जैसे ज़ुबान है ज़ुबान की ज़े के ऊपर आपको पेश भी मिलेगी लुगत में और इसके ऊपर आपको ज़बर भी मिलेगी यानी इसको आप जुबान भी पढ़ सकते हैं और ज़बान भी ठिकाने टे ठे के नीचे जेर का खास ख्याल रखना पड़ेगा अजब जीम को नुमाया करके जबर के साथ पढ़ा जाएगा और जोर देकर पढ़ा जाएगा अजब फुदकने कुछ लोग इसको लाइलमी में फुदकने पड़ जाते हैं फुदकने चटियल माजरा अब ये जो लफ्स है माजरा इसमें जीम के ऊपर जबर है तो उसको नुमाया करके पढ़ना है ये न लगे कि आपने जीम को जज्म के साथ पढ़ लिया है सो ये लफ्स माजरा नहीं होगा माजरा माजरा तलबा को मुश्किल अल्फ के मानी बताइए समझाइए और तख्त तहरीर पर लिखिए आपकी आसानी के लिए चंद चंदल्फाज और उनके मानी जैल में पेश किए जा रहे हैं घटा गहरा स्याह बादल बादल आप बच्चों को बताएंगे कि हल्के भी होते हैं सफेदी माइल भी होते हैं और हल्के यानी कम गहरे भी होते हैं और बहुत गहरे रंग के स्याह बादल भी होते हैं और उन्हीं को देखकर हम अंदाजा करते हैं कि बारिश ज्यादा होगी सो घटा के मानी है गहरा स्याह बात आहट आवाज मैं फिर फिर मोहतरम टीचर जिक्र करूंगा उसी बात का कि किसी लफ्स के मानी मालूम हो जाने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि यह उस लफ्स का मुतरदिफ है देखेंगे आहट के मानी आवाज के तो हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो आवाज ही होती है लेकिन आहट ऐसी आवाज है जो आपको मालूम नहीं कि किधर से आ रही है और आपके कान तो खड़े होते हैं लेकिन आप फिर अपने काम में मसरूफ जाते हैं आहट बस हल्की सी आवाज आप चौंके और फिर वापस अपने काम पर आ सनसनाहट सनसन की आवाज जैसे आप फर्श करें कमरे में बैठे हैं और बाहर तेज हवा चलना शुरू हुई है तो उसकी जो आवाज है आप जरा अपने जहन में लाएं बच्चों को भी बताएं कि वो आवाज जो सनसन की है उसे सनसनाहट कहते हैं ठिकाने लगना वैसे ठिकाने लगना या ठिकाने लगाना किसी चीज को उसका मतलब यह है कि उस उसकी डिस्पोजल कर देना कहीं फेंक देना कहीं महफूज कर देना लेकिन ये इसके मजाजी मानी है कि उसकी कोशिश ठिकाने लगी यानी कामयाब हो गई पेड़ दरख्त देखें एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम होते हैं आप बच्चों को बताइएगा कि एक ही मानी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं और एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम हैं यानी उनके नाम के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जैसे पेड़ है दरख्त है और इसके लिए लफ्ज़ शजर भी इस्तेमाल होता है अजब अजीब बुनियादी तौर पर लफ्स है तो अजीब लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी एक ज्यादा मरतबा बताया है कि जरूरत शेरी के तहत यानी शायरी की जरूरत के तहत इसको अजब के तौर पर भी इस्तेमाल कर दिया जाता है ढंग अंदाज तरीका खुदकना उछलना कूदना खुश होना अब फुदकना एक तो महज अमल है किसी जानवर या परिंदे का लेकिन अब ये इसके इस्तेमाल पर मुनहसर है कि अब इस नज्म में जो लफ्ज़ फुदकना इस्तेमाल हुआ है वो खुशी के साथ उछलना कूदना के मानी में है वरना फुदकना का लफ्ज इसके अलावा भी बामानी है चटियल सायादार दरख्तों के बगैर मैदान चटियल कोई शजर नहीं कोई पेड़ नहीं कोई पौधा नहीं मैदान है लेकिन बिल्कुल वीरान उसको चटियल कहते हैं बन जंगल जंगल आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है बन जरा शेरी सा लफ्ज़ है हूँ अगर शहरों से बन अच्छे हूं अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन माजरा वाकया कहानी दास्तान आप बीती सब माजरा के मानी में इस्तेमाल होते हैं हरा सब्ज़ सब्ज ज़्यादा बेहतर लफ्ज लगता है लेकिन हरा हरा से फिर हरे भरे हरा भरा हरी भरी ये सब उसकी तब्दील शुदा हालतें हैं इस लफ्ज़ की नज्म का मरकजी ख्याल बयान करें हर शेर की नसरी तरतीब करें और उसका आसान फहम मतलब बयान करें बेहतर तफहीम के लिए दर्ज झैल अहम निकात नोट करें यहां एक बात मैं जरूर करूंगा कि देखिए जब भी मोहतरम टीचर आप नज्म पढ़ाएं बच्चों को तो एक काम जरूर किया कीजिए कि क्लास में जाने से पहले पहले का मतलब यह नहीं है कि फौरी पहले एक दिन पहले उससे भी पहले आप उस नजम को पढ़ें उसके हर मिसरे पर गौर करें और जब आप गौर करेंगे तो ऐसे ऐसे मानी आपकी सोच में आएंगे कि आप शायद खुद हैरान हो जाएं कि अच्छा ये भी इसके मानी मुमकिन हैं हो सकता है कुछ अल्फाज के मानी आपको लुत में तलाश करना पड़े इसलिए कि लुत में तो एक से ज्यादा मानी दिए हुए हैं और फिर आप ये सोचेंगे कि इस शेर में या इस मिसरे में जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये उन तमाम मानी में से किस मानी में इस्तेमाल हुआ है अब यह मिसरा है शेर है घटा के जो आने की आहट हुई हवा में भी एक सनसनाहट हुई इसकी तशरीह करते हुए बताएं कि घटा के आने के बाद हवा में क्या तब्दीली आती है हवा में भी एक भारीपन आ जाता है उसमें नमी बढ़ जाती है इसलिए जब वो जलती है तो फिर एक आवाज पैदा होती है और उस आवाज को सनसनाहट का नाम दिया गया है घटा के जो आने की आहट हुई आहट घटा के आने की आहट ये आहट भी हवा लाई है और फिर हवा की आवाज में एक तब्दीली पैदा हुई है उससे पहले शायद बे आवाज थी सिवाय इसके कि वो बहुत तेज हो जिसको हम अंग्रेजी में विंड कहते हैं अब हवा के लिए अंग्रेजी में तो दो अल्फाज़ हैं एयर और विंड आम हवा को हम एयर कहते हैं लेकिन तेज चलती हवा को हम विंड कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब घटा आ जाती है तो फिर हवा हवा नहीं रहती वो तेज हवा हो जाती है या दूसरे अल्फाज में वो विंड हो जाती है घटा आन कर मी जो बरसा गई तो बेजान मट्टी में जान आ गई इसकी तशरी के तौर पर बताएं कि बेजान मट्टी में जान आने का क्या मतलब है आप बच्चों को बताएं कि बारिश जब शुरू होती है तो मट्टी में से एक खास किस्म की बू आती है स्मेल आती है और वो बड़ी खास स्मेल होती है और बेजान मट्टी में जान आ गई जाहिर बात है मट्टी अगर बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई और खुश्क हो चुकी है तो मट्टी में भी जान आ जा जाती है और वो उस बास से पता चलता है हमें जो मिट्टी में से आना शुरू हो जाती है बारिश के आगाज के फौरन बाद जमी सब्जे से लहलहाने लगी किसानों की मेहनत ठिकाने लगी जशरीह के तौर पर बताएं कि किसान के लिए फसल की क्या अहमियत है और अच्छी फसल के लिए बारिश कितनी जरूरी है जब ऐसा वक्त आता है कि किसान ने फसल बो रखी है और जाहिर बात है हर फसल को पानी चाहिए के बाजूका नहरी पानी मुयसर नहीं होता या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां नहरी निजाम सिरे से है ही नहीं तो वहां तो अच्छी फसल होने का तमाम तर इहसार बारिश ही होती है तो यह हकीकत है कि किसान बार बार आसमान की तरफ देखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह बारिश बरसा दे इसीलिए ये इस शेर में है कि किसानों की मेहनत ठिकाने लगी यानी बारिश हो गई जिसकी फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसके बाद फसल अच्छी हुई किसान को उसका अच्छा मुआवजा मिला और वो इस पोजीशन में आ गया कि कुछ अच्छे दिन गुजार सके पैसा खर्च कर सके हजारों फुदकने लगे जानवर निकल आए गोया के मिट्टी के पर मतलब तो बारिश होने से जानवरों में भी एक तब्दीली आती है वो खुशी से उछलना कूदना शुरू कर देते हैं ऐसा लगता है जैसे मिट्टी से पर निकल आए हों और पहले जो वो पर नहीं थे उनके पास अब इस शेर की तशरी करते हुए बताएं कि बारिश में जानवर क्या करते हैं और मिट्टी के पर से क्या बुरा अब हम आते हैं मुतक हासिलत ताल्लम के हवालों के साथ मश्क जुबान शनासी और लिखाई के कुछ अहम पहलुओं की तरफ सरगर्मी है तस्वीर के बारे में जुमले लिखना सफर नंबर एक सौ सत्रह पर है तख्लीकी लिखाई के तहत हासिल तलम इसका है आप जुमले लिखवाने से पहले तलबा के साथ तस्वीर पर गुफ्तू कर के तलबा मंजर की तस्वीर देख कर कम अज कम दस जुमले तहरीर कर सकें और ये तस्वीर अच्छी खासी बामानी है फैमिली है बच्चे हैं माँ बाप हैं कुछ खाने पीने का सामान है अब आप बच्चों से गुफ्तु करते हुए इस तस्वीर की तोजीह करेंगे ये है क्या किस चीज़ को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सिर्फ खा पी रहे हैं यह हर बच्चा अपनी अपनी राय देगा आप भी इस पर गौर फिक्र कीजिएगा और किसी नतीजे पर पहुंच के तो अपने नोट्स ले लीजिएगा ताकि जब आप बच्चों के काम को चेक करें तो उसकी असलाह कर सकें और जुमले लिखवाने से पहले गुफ्तगु इसलिए ज़रूरी है जैसे कि हम ये काम करते भी आए हैं अब तक कि उस गुफ्तगु के बाद बच्चों के लिए आसान हो जाएगा कि उसमें से वो ख्याल अक्स कर सकें और फिर आसानी के साथ जुमले लिख सकें ये सेशन यहाँ तक ही मोहतरम टीचर आपकी समात का शुक्रिया अल्लाह हाफिजो नासिर